ब्रीथ सीजन 1। ब्रीथ की कहानी के हीरो हैं डेनी मास्करेन हास, जो कि एक शानदार फुटबॉल कोच हैं और अपने यंग सन जॉश और अपनी माँ जूलियट के साथ मुंबई में रहते हैं। इस फैमिली में ट्रेजेडी तब आती है जब डॉक्टर बताते हैं कि जॉश के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। जॉश के लंग्स काफ़ी वीक हैं और अगर 5 महीने के अंदर कोई लंग्स डोनर यानी फेफड़े दान करने वाला नहीं मिला तो जॉश की डेथ हो जाएगी। यहाँ भी एक समस्या और है कि अगर डोनर मिल भी गया तो उस क्यू में जॉश का नंबर 4 है, यानी जॉश से पहले 3 पेशेंट क्यू में हैं। पहले उन तीनों को मिलेगा, फिर जॉश का नंबर आएगा। यानी मास्करेन हास को एक नहीं 4 डोनर चाहिए अपने बेटे को बचाने के लिए। अब मास्करेन हास अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो जाते भी हैं। सबसे पहले वो डॉक्टर के ऑफिस से कॉन्फिडेंशियल डोनर्स की लिस्ट चुराते हैं। इन सब के बीच इस कहानी में एक और कैरेक्टर है, कबीर सावंत। वो एक अल्कोहलिक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर है। इनकी बेटी मर चुकी है और ये अभी भी उसी शोक में है। इनकी वाइफ हालांकि इस सदमे से बाहर निकल चुकी हैं, नई जिंदगी शुरू कर दी है, हालांकि दूसरी शादी नहीं की है, पर अब वो खुश हैं अपनी जिंदगी में। वो अपने हस्बैंड कबीर सावंत को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो अपार्टमेंट बेच दे और लाइफ में मूव ऑन करे, पर वो फेल हो जाती हैं। इंस्पेक्टर कबीर नहीं मानते। इधर कहानी आगे बढ़ती है। डैनी मास्करेनहास जोश की डॉक्टर अरुणा शर्मा, जो कि डाइवोर्सी हैं, उनको डेट करना शुरू कर देते हैं। ये डेटिंग भी मास्करेनहास की प्लान का एक हिस्सा है ताकि वो अपने बेटे को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। इसी सीक्वेंस में मास्करेनहास ऑर्गन रेसिपिएंट्स की लिस्ट निकालते हैं, जिसमें जोश के पहले जो 3 रेसिपिएंट्स हैं, एक नाम है किसी रिटायर्ड प्रोफेसर का। मास्करेनहास उस प्रोफेसर को मारने का प्लान बनाते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। बेसिकली वो प्रोफेसर ऑलरेडी अस्थमा का मरीज होता है, तो उसको पहले ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं और उसके बाद जब उसको एयर की ज़रूरत होती है तो वो नहीं लेने देते। इसकी वजह से वो सोचते हैं कि वो मर जाएगा, लेकिन वो मरता नहीं है, इनफैक्ट वो कोमा में चला जाता है। खैर, स्टोरी आगे बढ़ती है। प्रोफेसर को मारने में फेल होने पर मस्करिनहास प्लान को चेंज करते हैं और अब प्लान बनाते हैं बी। इस प्लान के अंतर्गत वो अब रेसिपिएंट्स को नहीं बल्कि डोनर्स को टारगेट करते हैं। वो लिस्ट निकालते हैं डोनर्स की। बेसिकली लॉजिक ये है कि जब डोनर मरेगा तो उसके ऑर्गन रेसिपिएंट्स को जॉश के पहले टॉप 3 में जो क्यू में है उनको मिल जाएगा और उस हिसाब से जॉश का नंबर फिर आगे आ जाएगा। खैर, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया डैनी मास्करेनहास ने। आगे बढ़ते हैं कहानी में। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब। डोनर की लिस्ट में एक यंग लड़के राहुल का नाम है, जो एक ऑफिस की बिल्डिंग में काम करता है। इधर इंस्पेक्टर कबीर सावंत अपने दोस्त की पार्टी में आए हुए हैं, तो वहीं उनकी वाइफ रिया अपने किसी कलीग के साथ उसी पार्टी में आई हुई हैं और वो इंस्पेक्टर कबीर को जलाने की कोशिश कर रही हैं। खैर, उधर पार्टी चल रही है और इधर मास्करेनहास ने राहुल को मारने का पूरा प्लान बना लिया है। पहले तो वो उसका हेलमेट चुराते हैं, फिर जब वो बिना हेलमेट के बाइक पर निकल जाता है तो वो उसे अपनी कार से टक्कर मारकर इस तरह से टक्कर मारते हैं कि वो मर्डर नहीं बल्कि एक रियल रोड एक्सीडेंट लगे और हेलमेट को बॉडी के पास छोड़ जाते हैं। बाद में जब इंस्पेक्टर कबीर सावंत वहां पहुंचते हैं तो उन्हें शक होता है, क्योंकि उन्हें पता लगता है कि राहुल हमेशा हेलमेट पहनता था बाइक चलाते हुए। वो कभी भी बिना हेलमेट के लिए नहीं निकला और बिना हेलमेट के बाइक पर नहीं निकला, और सेफ्टी मेजर्स वो हमेशा लेता था, हमेशा प्रिकॉशियस था सेफ्टी को लेकर। तो इस बार वो बिना हेलमेट के कैसे निकल गया? दूसरा, जब वो घर से निकला था, जब ऑफिस से निकला था रात को, तो बिना हेलमेट के निकला था, और अब जहाँ पे उसकी डेथ हुई वहाँ पे हेलमेट पड़ा हुआ है, तो शक की सुई घूमने लगती है। मास्करेनहास की लिस्ट में अगला नाम है अनीता का।
अब अनीता एक एस्पिरेंट एक्ट्रेस है। मास्करेन हास को जब पता लगता है कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है तो उसके घर पे पहुंचते हैं एक नकली असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर, और रिहर्सल के लिए उसे एक सीन देते हैं जिसमें अनीता को खुद को सफोकेशन से मारना होता है, मतलब मारने की, खुद को सफोकेशन से मारने की एक्टिंग करनी होती है। अनीता इस सीन की रिहर्सल करते हुए काफ़ी सफोकेटेड होती है, और सफोकेटेड होते हुए जब उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है तो वो हेल्प के लिए इशारा करती है, लेकिन मास्करेन हास उसकी हेल्प नहीं करते और वो लड़की जो है सफोकेशन से वहीं मर जाती है, और इस तरह से मास्करेन हास का दूसरा टारगेट भी पूरा हो जाता है। इधर कबीर सावंत राहुल और अनीता के मर्डर को लिंक करने की कोशिश करते हैं, और पता लगता है कि दोनों का जो ब्लड ग्रुप था वो रेयर था, और साथ ही दोनों रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर में दोनों का नाम था, तो इससे काफ़ी इजी हो जाता है ये पता लगाना कि इन दोनों को मारने वाला ज़रूर कोई ऐसा है जिसको मारने, इन दोनों को मारने से बेनिफिट होगा। और इसी क्रम में स्टोरी आगे बढ़ती है, जब ये शक होता है कबीर सावंत को तो वो ऑर्गन डोनर्स की लिस्ट निकालते हैं, और इस लिस्ट में उनकी वाइफ रिया का भी नाम है, क्योंकि रिया ने भी ऑर्गन डोनेशन में अपना नाम रजिस्टर करा रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनको पता लग चुका है कि आज नहीं तो कल उनकी वाइफ पे भी अटैक होने वाला है, तो वो रिया को वॉर्न करते हैं। खैर, अब यहाँ पर क्लैश है दो लोगों का, एक तरफ डैनी मास्करेन हास है जो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को उतारू है, तो दूसरी तरफ है इंस्पेक्टर जो अपनी वाइफ को बचाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। आगे की कहानी हम इस वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। हमारे चैनल पे ब्रीथ पार्ट 2 में आगे की पूरी कहानी है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। दोस्तों, इसकी स्टोरी लिखने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, बहुत ही मेहनत से मैंने स्केच बनाया, पहले दो बार इस सीज़न को देखा, फिर तीसरी बार देखते हुए स्केच बनाया। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।